तो हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे पोको के M3 के बारे में। तो गाइस, पोको का जो M3 है, ये 2 फरवरी को इंडिया में लॉन्च होने वाला है। और लॉन्च से पहले स्मार्टफोन की जो स्पेसिफिकेशन है वो पूरी की पूरी हमारे सामने आ चुकी थी, क्योंकि ये जो स्मार्टफोन है वो ऑफिशियली ग्लोबली लॉन्च हो चुका है और इंडिया में ये जो स्मार्टफोन है वो आपको अब देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस, इंडिया में जब ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा तो आपको थोड़ी इंटरेस्टिंग स्पेसिफिकेशन के साथ मिलेगा, आपको थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन चेंज होकर देखने के लिए मिलेगी अगर आप कंपेयर करते हो ग्लोबल वेरिएंट से। सबसे मेन चेंज ये होगा कि इसमें आपको 6GB रैम वाला बेस वेरिएंट मिल सकता है, जहां पर आपको 6GB रैम 64GB का बेस वेरिएंट देखने के लिए मिलेगा, और जो हायर वेरिएंट होगा वो 6GB रैम 128GB वाला होगा। यहां पर मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको जो स्टोरेज टाइप होगी वो UFS 2.1 देखने के लिए मिलेगी, जो 6GB रैम 64GB वाला वेरिएंट होगा, और जो 6GB रैम 128GB वाला वेरिएंट होगा उसमें आपको UFS 2.2 की स्टोरेज देखने के लिए मिलेगी। तो आपको जो स्टोरेज की स्पीड होगी वो काफी अच्छी मिल जाएगी स्मार्टफोन में। और उसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस स्मार्टफोन की जो स्टार्टिंग प्राइस होगी वो आपको 11,000 रुपए मिलेगी, जिसमें आपको इसका बेस वेरिएंट मिलेगा, और जो हायर वेरिएंट होगा उसकी प्राइस आपको 12 से लेकर 13,000 के बीच में देखने के लिए मिल सकती है। तो गाइस, इतना कंफर्म है कि जो 6GB रैम 64GB वाला वेरिएंट होगा उसकी प्राइस आपको 11,000 रुपए मिलेगी, और जो हायर वेरिएंट होगा उसकी प्राइस आप लेकर चलो कि 12 या 13,000 के बीच में देखने के लिए मिल सकती है। तो आपको जो प्राइस डिफरेंस होगा वो इतना ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलेगा दोनों ही वेरिएंट्स में। और रही बात इसके कैमरास की, तो इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलेगा वाली साइड, जहां पर जो मेन कैमरा सेंसर होगा वो 48 मेगापिक्सल का होगा, और 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो सेंसर मिल जाएगा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिल जाएगा। सेल्फी के लिए इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा, जिससे आप काफी अच्छी सेल्फीज क्लिक कर सकते हो। और इसमें आपको जो डिस्प्ले होगी वो काफी अच्छी देखने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि यहां पर आपको फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन मिलेगा, बट जो आपको डिस्प्ले है वो थोड़ी आउटडेटेड देखने के लिए मिलती है, क्योंकि इसमें आपको वाटरप्रूफ नॉच वाली डिस्प्ले मिलेगी। और यहां पर जो पैनल होगा वो एक IPS LCD पैनल देखने के लिए मिलेगा, और जो डिस्प्ले का साइज होगा वो 6.53 इंचेस का आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और इसमें आपको डिस्प्ले के प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलेगा, जिससे आपकी जो डिस्प्ले होगी वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रहेगी। उसके साथ ही ये जो स्मार्टफोन है वो आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 10 पर मिलेगा, जिसमें आपको इनकी कस्टम रोम MIUI 12 का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। और परफॉर्मेंस के लिए स्मार्टफोन में आपको स्नैपड्रैगन का 662 वाला प्रोसेसर मिलेगा, जो 11nm टेक्नोलॉजी पर बना होगा। और फिंगरप्रिंट सेंसर इस स्मार्टफोन में आपको साइड माउंटेड देखने के लिए मिलेगा, जो आपके इसके पावर बटन में देखने के लिए मिल जाएगा। और ये जो स्मार्टफोन होगा वो 6000mAh की एक बड़ी बैटरी के साथ आएगा, जिसमें आपको 18W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। और इसमें आपको 3 कलर्स देखने के लिए मिलेंगे, एक ब्लू कलर, एक येलो कलर एंड एक ब्लैक कलर, जिसको पोको कहता है कूल ब्लू, पोको येलो एंड पावर ब्लैक। तो आपको 3 कलर्स देखने के लिए मिलेंगे पोको के M3 में। और ये जो स्मार्टफोन है वो काफी अच्छी प्राइस के साथ इंडिया में लॉन्च होने वाला है। तो गाइस, आप लेकर चलो कि 11,000 से स्मार्टफोन की जो स्टार्टिंग प्राइस होगी वो आपको देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि 11,000 से अगर ये स्मार्टफोन ऊपर जाता है तो आपको थोड़ा एक्सपेंसिव देखने के लिए मिलेगा। आप सभी को पता ही है कि जो पोको का M2 है उसकी जो प्राइस है वो काफी ज्यादा कम हो चुकी है। अब जो आपको उसका बेस वेरियंट है वो सिर्फ 10,000 में मिलता है, जबकि पहले आपको ये 11,000 में देखने के लिए मिलता था। तो अब जो प्राइस है वो इसलिए ही कम की गई है, क्योंकि पोको का जो M3 है वो जल्दी होने वाला है और इसकी भी प्राइस आपको स्टार्टिंग 11,000 पे देखने के लिए मिलेगी। तो गाइस, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन पोको के M3 के बारे में। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और साथ ही बेल को दबा दीजिए ताकि आने वाले अपडेट को मिस ना करें। थैंक।